देश में महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, दिन ब दिन किचन से लेकर तमाम चीज़ों के दाम बढ़े हैं। ऐसे में कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने बीजेपी पर हमला करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज सिलेंडर 1053 रुपए का है, दूर दराज इलाकों में 1100 रुपए, 1150 का होगा। और अगर वही सिलेंडर ब्लैक में खरीदना हो तो आप भी जानते हैं कि उसकी कीमत किस अनुपात में बढ़ जाती है और किस तरह से लोगों की जेब पर मार पड़ती है। और मैं स्पष्ट रूप से मोदी जी से एक सवाल जरूर आज पूछना चाहती हूँ, मोदी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इतना महंगा रसोई गैस सिलेंडर कौन खरीद सकता है? क्या वो किसान खरीद सकते हैं जिनकी आय आपको दुगनी करनी थी पर केवल 27 रुपया रह गई? क्या वो महिलाएं खरीद सकती हैं महंगाई के कारण जिनका घरेलू बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है? क्या वो 8 करोड़ लोग जो आपके 8 साल के राज में गरीबी रेखा के नीचे चले गए इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? आप दावा करते हैं 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन मुफ्त में मांगने के लिए मजबूर कर दिया सरकार से, वो लोग क्या इतना महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं? करोड़ों नौजवान जो बेरोजगारी के कारण प्रदर्शन कर रहे हैं देश के तमाम हिस्सों में, वो बेरोजगार नौजवान क्या इतना महंगा सिलेंडर हर महीना खरीद सकते हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो विश्वगुरु बनने में भारत रेस में सबसे आगे पहुंचने की कतार में खड़ा हुआ है, वो लोग जो भूखमरी से ग्रस्त हैं, वो लोग क्या इतना महंगा गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं? मैं कहना चाहती हूँ मोदी जी से कि देश को चलाने के लिए, जनता का मर्म समझने के लिए, पेट पर पड़ती हुई लात का दर्द समझने के लिए, कमर तोड़ महंगाई की पीड़ा समझने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए मोदी जी, इस देश के लोगों के लिए धड़कता हुआ एक दिल चाहिए, उनकी नब्ज पे रखा हुआ एक हाथ चाहिए है, माफ कीजिए जो आपके पास और आपकी सरकार के पास नहीं है।